कभी सोचा नहीं था मैंने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो पाएंगे मेरे, मैंने तो 1000 भी नहीं सोचा था। और इसको तैयार करेंगे लॉन्ग राइड के लिए, इसको लद्दाख भी तो लेके जाना है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 और निकल चुका हूँ घर से मैं स्कूटी लेके। आज बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद मोटो व्लॉग आएगा चैनल पर, नहीं तो डेली मैं कार की वीडियोज़ ही डालता रहता हूँ। अभी मैं कार चलाना सीख रहा हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ वो भी रिकॉर्ड करके डालूं कि कैसे कैसे मैंने कार चलानी सीखी है, तो फ्यूचर में कभी देख सकता हूं। व्लॉगिंग का ना एक ये भी फ़ायदा होता है, जो आप अभी कर रहे हो आप फ्यूचर में देख सकते हो कि पहले मैंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे मैं क्या क्या करता रहता था। बहुत सारे फायदे होते हैं व्लॉगिंग के वैसे देखा जाए तो रियल लाइफ में भी। अब जैसे मेरी स्कूटी का ना सर्विस का टाइम आ चुका है, अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा होता तो मेरे को पता ही नहीं चलता, लेकिन मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैंने पिछली लेकिन मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो क्या होता है, पिछली वीडियो खोल के देख लो तो उसमें पता चल जाता है लास्ट सर्विस कब कराई थी, नहीं तो ऐसे अलग से नोट करके रखना पड़ता है। ये सब कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं व्लॉगिंग करने के। तो बहुत दिनों से ना मेरी स्कूटी थोड़ी टाइट टाइट सी चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता सर्विस का टाइम आ गया हो इसका, इसीलिए मैंने चेक किया। तो जब मैंने पुरानी वीडियो खोल के देखी, देख लो बच्चे वो कर रहे हैं व्लॉगिंग। हाँ, तो फिर जब मैंने चेक किया ना, तब मेरे को पता चला कि लास्ट सर्विस से मेरी स्कूटी चल चुकी है 4200 किलोमीटर्स। इतनी ज़्यादा चला दी इस बार तो मैंने, इतनी स्कूटी मैंने कभी नहीं चलाई सर्विस के बाद। लास्ट में 3500 में करवा लेता था सर्विस, इस बार थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसीलिए अब फटाफट से सर्विस करवानी पड़ेगी वरना इंजन में दिक्कत हो सकती है, वियर टियर हो सकता है। वैसे मैंने अपनी स्कूटी में ना लास्ट सर्विस में और हर सर्विस में मैं यही वाला तेल डालता हूँ, कैस्ट्रॉल पावर वन अल्टीमेट फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो ये आपकी स्कूटी को 3500-4000 किलोमीटर तक एकदम बढ़िया रखता है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, थोड़ा सा ही फ़र्क आया है 19-20 का, नहीं तो जो नॉर्मल इंजन ऑयल होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है इतने टाइम में। इतने टाइम में क्या, उसमें तो 1500-2000 किलोमीटर में ही फ़र्क आ जाता है, पता लग जाता है कि अब टाइम आ चुका है सर्विस करवाने का। आज यार भीड़ हो रही है गली गली में, और इस टाइम इतनी ज़्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ रही है यार, मैं जैकेट पहन के निकल रखा हूँ। वैसे जैकेट मैं इसलिए भी पहन लेता हूँ ना, टैनिंग से बच जाते हैं हाथ, मेरे को वो निकालने पड़ेंगे स्लीव्स जो हाथों में पहनने वाले नहीं होते, हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लो और वो पहन लो तो सही रहता है, फिर टैनिंग नहीं होती। गर्मियाँ आ चुकी है, पर एक चीज़ बढ़िया है कि मेरे पास अब टाटा नैनो भी आ चुकी है, तो जिसको लेके मैं गर्मी से बच सकता हूँ। उसमें बहुत ही तगड़ा एसी चलता है, ठंडी ठंडी चिल्ड हवा देता है जो। और फाइनली हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। आखिरकार यार 10000 के हम बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, मेरे ख्याल से 2 महीने में हो जाएंगे 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। कभी सोचा नहीं था मैंने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हो पाएंगे मेरे, मैंने तो 1000 भी नहीं सोचा था, लेकिन आखिरकार हो चुके हैं। और अब तो 1000 से भी बहुत ज़्यादा हो गए, 9000 कितने ज़्यादा होते हैं यार 9000। वही है, आप काम करते रहोगे तो ग्रोथ होगी ही होगी, प्रोग्रेस होती है, स्लो प्रोग्रेस हो चाहे फास्ट प्रोग्रेस हो, प्रोग्रेस प्रोग्रेस होती है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना, पर कोई नहीं, कहते हैं ना स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस तो है चाहे स्लो हो या कैसी भी हो। अभी फ़िलहाल चलते हैं पार्क में, वो कर लेता हूँ मैं अपनी वॉक कंप्लीट, और इस बार मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल वाले इंजन ऑयल से करवाऊँ सर्विस, बाकी देखते हैं, थोड़ा सोचता हूँ 1 घंटा उसके बाद डिसाइड करूँगा। क्योंकि अगर फुल्ली सिंथेटिक से करानी है ना सर्विस, तो वो मेरे को लेने जाना पड़ेगा दूर गोविंदपुरी, और नॉर्मल वाला तो घर के आसपास मिल जाता है लेकिन वो वाला नहीं मिलता, इसीलिए उस वाले तेल में थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। और इस बार मेरे को अपनी स्कूटी में वो भी चेंज कराना है, ब्रेक वायर पीछे वाली, तो देखते हैं वो कितने रुपये की आती है, महंगी ना आती हो बस, वरना दिक्कत हो जाएगी। इसकी जो वायर है वो जाम हो चुकी है ना। वैसे मैंने अपने चैनल पे ना एक बार बोला था जब मेरे 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब कोई नई गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन मैंने 9000 सब्सक्राइबर्स में ही खरीद ली, 9000 से पहले ही खरीद ली थी टाटा नैनो। बाकी देखते हैं 10000 में भी खरीद लेंगे कुछ ना कुछ, अगर
सब कुछ सही रहा तो। और इसी के साथ यहाँ पे पार्क भी आ चुका है, यहाँ पे स्कूटी खड़ी करते हैं और चलते हैं अंदर। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। और यार मैंने सोच लिया इस बार मैं नॉर्मल वाले इंजन ऑयल से सर्विस कराऊंगा, क्योंकि इस बार मेरे को वायर भी चेंज करानी है ना इसीलिए। लेकिन उसमें यार फिर ये अगली बार मेरे को जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी। इस वाले इंजन ऑयल में ये सही रहता है, एक बार कराओ और भूल जाओ। 4000 किलोमीटर भी गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से चल जाती है। और इसकी सर्विस मैं कराऊंगा मंडे को नहीं यार, ट्यूसडे को, तो फिर दुकान बंद रहती है। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल तो बहुत भीड़ होती है, फिर परसों होली है मंडे को, तो उस दिन तो दुकानें बंद ही रहेंगी। और ट्यूसडे को बाइक्स की मार्केट बंद रहती है दिल्ली में, इसीलिए अब वेडनेसडे को ही करवानी पड़ेगी सर्विस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई यार एकदम से, या तो मैं बहुत दिनों बाद इतनी धूप में निकल रहा हूँ इसलिए मेरे को लग रही है। देखो स्कूटी में जब हम ऐसे रेड लाइट पे खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कब होगी ये गर्मी लग रही है। अभी ठंड में तो इतना नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है इतनी गर्मी हो रही है, कब होगी। लेकिन जब हम कार के अंदर ऐसे बैठे रहते हैं, जैसे आगे अंकल बैठ रखे हैं कार में शीशे बंद करके, तो अंदर एकदम घर जैसा माहौल होता है, ठंडा। तो कितनी भी देर तक रेड लाइट हो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कार के अंदर। स्कूटी में पड़ता है, बाइक्स में पड़ता है, टू व्हीलर में पड़ता है, पर वही है यार कार बहुत ज़्यादा वो है, इतनी बड़ी सी चीज़ को लेके घूमते रहो रोड पे। स्कूटी बहुत क्विक होती है, क्विक। एक चीज़ तो मैंने जान ली है कि टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर कभी भी नहीं ले सकता, लेकिन फोर व्हीलर की जगह टू व्हीलर ले सकता है, पर टू व्हीलर की जगह नहीं ले सकता कभी भी फोर व्हीलर जिंदगी में। हमारे यहाँ उस टाइप्स के रोड नहीं है ना, अगर हमारे यहाँ ऐसे रोड होते कि चाहे टू व्हीलर ले जाओ या फोर व्हीलर, उतने ही टाइम पे पहुँचोगे, तब ठीक था, तब बराबर हो सकते थे दोनों, लेकिन अभी के टाइम पे तो ऐसा नहीं है। और ऊपर से माइलेज 10 की माइलेज देती है ऐसे ट्रैफिक में मेरी नैनो, 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा 14। अभी उसको खरीदे हुए ना एक महीना भी नहीं हुआ है मेरे को, और अभी तक उसमें 4,500 रुपये का पेट्रोल जा चुका है। 4,500 रुपये के पेट्रोल में तो मेरी स्कूटी पता नहीं कितने साल चल जाती है, वो तो ऐसी पी जा रही है। बल्कि मैं कहीं दूर भी नहीं ले जाता हूँ, घर के आसपास ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लर्निंग वाला है, तो फिर भी देख लो कितना ज़्यादा वो रहता है। और ऊपर से अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं कार के पेट्रोल को झेल सकूं, थोड़ा झेल सकता हूं, पर थोड़ा नहीं झेल सकता। लेकिन अभी तो मैं सीख रहा हूं ना, तो अभी तो डेली चलाना ज़रूरी है उसे, जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता। एक बार लाइसेंस बन जाएगा फिर थोड़ा कम ही चलाऊंगा, स्कूटी में भी वीडियोस बनाऊंगा और कार में भी, मतलब ये लगा लो महीने में 20 वीडियो स्कूटी पर बनेगी और 10 वीडियो नैनो पर, या फिर 15 कर लूँगा, 15 वीडियो नैनो पर, 15 वीडियो स्कूटी पर। पर अभी मैं डेली इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को सीखनी है थोड़ी, टेस्ट पास करने के लिए, वरना फेल हो जाऊँगा ना इसीलिए। और अब टेस्ट का टाइम भी बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, आज तारीख है 22 मार्च, और जो मेरा टेस्ट है मतलब जो मेरा लर्निंग लाइसेंस है उसको एक महीना हो जाएगा 26 तारीख को, तो 26-27 तारीख को मैं अप्लाई कर सकता हूँ टेस्ट के लिए। तो अगर 26 को अप्लाई करूँगा, हो सकता है 27 की डेट मिल जाए, 28 की मिल जाए। सामने देखो क्या तगड़ी वो जा रही है, BMW X4 कितनी बढ़िया लग रही है यार, एकदम स्क्रैच लेस गाड़ी है, एक भी स्क्रैच नहीं है उसमें। ये थोड़ी उसकी तरह लग रही है, और उसकी तरह गाड़ी तो यार बस नैनो ही है, नैनो से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं हो सकती इस दुनिया में। ये कोई गाड़ियाँ है कार्निवल लिमोजिन प्लस किया, ये कोई गाड़ी है थार, महिंद्रा थार 4x4 गाड़ी। अभी दिखाऊंगा आपको घर जाके गाड़ी किसे बोलते हैं। अब अगली वीडियो में करवाएंगे इसकी सर्विस और इसको तैयार करेंगे लॉन्ग राइड के लिए। इसको लद्दाख भी तो लेके जाना है अभी कुछ महीनों में, 1-2 महीने में तो लद्दाख रोड ट्रिप आने वाली है कुछ टाइम में, तैयार रहना लद्दाख की वीडियोस देखने के लिए, मज़ा आ जाएगा यार लद्दाख वाली रोड ट्रिप में तो। वो भी मेरा सपना है बचपन का, जैसे नैनो था ना सपना मेरा, ऐसे ही लद्दाख जाना भी मेरा सपना है अपनी स्कूटी से। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कल। जय हिंद।